परम प्रकाश पांडे प्रश्न पूछते हैं, क्या बाबा मन जब एक बार मिट जाता है तो क्या सदा के लिए मिट जाता है, फिर कभी जीवित नहीं होता? कृपया विस्तार से इसे समझाने का कष्ट करें। हम उलझन में हैं, हमको मन के बारे में अभी तक किसी ने विस्तार से नहीं समझाया। सुंदर सवाल है और मूलभूत सवालों में से सबसे बड़ा सवाल है। और मैं बड़ी मुश्किल में हूं कि आपने मेरे सामने यह प्रश्न आज रखा है। इसका मतलब आपने मेरे 1200 प्रवचन सुने, तो वो 1200 प्रवचनों के ऊपर पानी फिर गया। मन क्या है, अब ध्यान से समझना, तुम्हारी बहुत सी बेड़ियां टूटेंगी, तुम्हारे बहुत से मान्यताएं अंधविश्वास भंग हो जाएंगे। मन क्या है, आइए पहले इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर। डेफिनेशन क्या है मन के? मन एक इल्यूजन है। जैसे भ्रम पड़ जाए किसी आपको, हवा चल रही है, कमरे की छत के ऊपर रस्सी पड़ी है, उस हवा के कारण हिल रही है, लंबी रस्सी है, अमावस्या की रात है और आपको उस रस्सी में भ्रम हो जाता है कि सर्प है। उस रस्सी में भ्रम हो जाता है कि सर्प है, हिलती भी है लेकिन हवाओं के कारण। तो वो जैसे भ्रम हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है, ऐसे ही मन एक इल्यूजन है। तो इल्यूजन काहे का है? इल्यूजन इस बात का है कि मैं शरीर, मैं शरीर हूं, ये इल्यूजन है, इसे मन कहते हैं। मन एक भ्रम है, मैं बुद्धि हूं, ये इल्यूजन है मन को। तुम्हें ये इल्यूजन है कि मैं बुद्धि हूं, मैं शरीर हूं, बाहरी भीतरी अंग शरीर के मैं हूं, ये नेत्र में हूं, ये नाक में हूं, ये ओंठ में हूं, ये हाथ में हूं, ये पांव में हूं, ओ भीतर के सभी ऑर्गन्स मैं हूं, चाहे देखे हूं चाहे ना देखूं। जिन अंगों को आप देखते नहीं, जिंदगी भर देख सकते नहीं, वो भी तुम हो। तो ये मान्यता है तुम्हारी। हार्ट तुमने कभी देखा कैसे रंग का है? नहीं देखा। तुम्हारा जिगर लीवर तुमने देखा किस रंग का है? नहीं देखा। किडनीज देखे? नहीं देखे। पित्ता देखा? ऑसोफेगस देखे? स्टमक देखा? जीआईटी सिस्टम देखा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट? ये सारी आंतड़ियां, पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन,
ये सारा तामझाम जो भीतर चल रहा है, ये आपने देखा नहीं? ब्रेन के भीतर क्या कुछ है ये आपने देखा नहीं? कितने हार्मोन्स पैदा होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, इनका रंग देखा कहां से निकलते हैं देखा? जो बैड हार्मोन्स हैं वो देखे आपने? कार्टिसोल, एड्रेनालिन, देखे नहीं? लेकिन आप मानते हो कि मेरे ये बाहर भीतर का सारा ढांचा, संक्षेप में समझा रहा हूं इस वीडियो को, बड़े आनंद से धीरज पूर्वक एकांत में सुनिएगा तो समझाएगा ये सारा ढांचा बाहर का भीतर का कैसे फंक्शन कर रहा है। दिल लगातार धड़क रहा है, फेफड़े लगातार श्वास लिए जा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तुम्हारे हवा को साफ कर रहे हैं, खून को। ये तुमने देखा नहीं? तुम इसे मानते हो कि मैं ये सारा शरीर बाहर भीतर की इंद्रियां मैं हूं, ये सारे ऑर्गन्स इंस्ट्रूमेंट्स ये सब मैं हूं, ये दांत मैं हूं, ये नाक मैं हूं, ये आंख मैं हूं, ये कान मैं हूं, ये दिमाग मैं हूं, ये हार्ट मैं हूं, सारे बाहर भीतर के सब ऑर्गन्स मैं हूं। और संत कहते हैं कि ये एक इल्यूजन है, ये तुम्हें भ्रम है, ये तुम मौन है। अब फर्क आया ना? समझो, साफ साफ फर्क समझाया। तुम कहते हो ये मैं हूं, तुमने मुझे धक्का दे दिया, तुम्हारे शरीर को किसी ने धक्का दिया, तुम कहते हो तुमने मुझे धक्का दे दिया, तो ये शब्द तुम किस कारण से बोल पाते हो? इस कारण से बोल पाते हो कि तुम्हें इल्यूजन है कि मैं शरीर हूं, तभी तुम कह पाते हो कि तुमने मुझे धक्का दिया, यानी शरीर मैं हूं। इस इल्यूजन का नाम है मन। मन अंग्रेजी का माइंड और मन ये एक चीज नहीं, दो चीजें हैं। अंग्रेजी का जो माइंड है वो बुद्धि है, और जो मन है मन वो तादात्म्य है। बुद्धि अलग चीज है, बुद्धि से तादात्म्य अलग चीज है, शरीर अलग चीज है, शरीर से तादात्म्य अलग चीज है। आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी इज माइंड ऑफ आर माइंड इज इल्यूजन, और वो इल्यूजन मन कहलाता है। आइडेंटिफिकेशन विद एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बॉडी, अंग्रेजी का माइंड और मन अक्सर आप एक ही समझ लेते हैं, माइंड को आप मन ही समझ लेते हैं। बाबा ये मन बड़ा तंग करता है, माइंड घूमता रहता है सारा दिन, कैसे ये घूमना बंद करे? तुमने माइंड को और मन को एक ही बात समझ रखा है। आइए मैं आपको एक बहुत बड़ी दुविधा से आज निकाल देता हूं। तो मन कोई औजार नहीं है, पहली बात तो मैं आपको बता, बाकी सब औजार हैं, आपको दिख रहे हैं, ये नाक है, ये होंठ है, ये कान है, ये आंख है,
ये सभी औजार आपको दिख रहे हैं, ये हाथ हैं, ये पांव हैं, लेकिन मन कहां? ये माइंड है, ब्रेन, लेकिन मन कहां है? मन एक धोखा है। रस्सी है, छत के ऊपर है, हवा भी चल रही है, रस्सी हिल भी रही है, लेकिन रस्सी सांप है, इसे क्या कहोगे? इसे आप कहोगे इल्यूजन, एंड दैट इल्यूजन इज मन। रस्सी है, छत के ऊपर है, हवा चल रही है, हवा से रस्सी हिल रही है, और उस रस्सी को हवा में चलते हुए देखकर आप कहते हो अरे सांप है। जबकि वो सांप नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं वह रस्सी है, हवा से हिल रही है, छत के ऊपर है। अगर आप उसे कहोगे कि ये सांप है तो क्या हुआ? इसे कहते हैं इल्यूजन, ये आपको भ्रम पड़ गया। इस भ्रम का मतलब, इस भ्रम का नाम है मन। बिल्कुल ऐसे ही आपको भ्रम पड़ गया, ये दांत में हूं, ये आंख में हूं, ये बाहर भीतर के सभी ऑर्गन्स में हूं, ये सब मैं हूं, ये चीजें भ्रम नहीं है, समझ लेना। ये तो है, आंखें भ्रम नहीं है, बोलना भी भ्रम नहीं है, कान भी भ्रम नहीं, सोचने वाली बुद्धि भी भ्रम नहीं, बोलने वाला मुख भी भ्रम नहीं है, हाथ पैर सारे ऑर्गन्स बाहर भीतर के ये भी भ्रम नहीं है, ये हैं। इनको चीरोगे, जब डायसेक्शन करते हैं हम, तो सब निकलेंगे, सबके अलग अलग रंग निकलेंगे। बड़ा शानदार कृष्णा परमात्मा ने बनाया, लेकिन ये हैं, ये भ्रम नहीं है। जैसे हवा में हिलती हुई रस्सी भ्रम नहीं है, रस्सी में सांप जो देखते हो वह भ्रम है। समझ आगे होगी मेरे हिसाब से। मन क्या है? माइंड इज नॉट मन। तुम अगर माइंड को मन कहते हो तो तुम गलती में हो, तुम इस सत्य से कभी वाकिफ ही नहीं हो पाओगे, तुम अध्यात्म का मूल ही नहीं पकड़ सकेंगे। तो आज वैसे मैं भी थोड़ा लेट हो गया, आपने पूछकर भी आज बड़ी कृपा की है लोगों पर, मुझे भी याद आया कि मैंने इस सब्जेक्ट को आपको अच्छी तरह से समझाया। मन क्या है? बीच बीच में से सारी चीजें बताता रहा, लेकिन इसको विस्तार से नहीं समझाया। जो मुझे पता है, मन एक इल्यूजन है, मन एक भ्रम है। भ्रम का है, भ्रम यही कि रस्सी नहीं है जो हवा में हिल रही है, रस्सी सांप है, और यह भ्रम टूटेगा बस। अब आगे की बात ठीक से समझो, ये बड़ा कीमती प्रवचन है, आपके आज तक के प्रवचनों का सबसे एक्सट्रैक्ट रस कीमती प्रवचन है। ये तो ठीक के भ्रम हो गया, रस्सी हिल रही थी, हवा चल रही थी, लंबी रस्सी पड़ी थी, हवा से हिल रही थी,
थोड़ी थोड़ी रोशनाई में पता चलता था कि कुछ तारों की भी तो छांव होती, तारों की भी तो रोशनाई होती। तो ये जो हिल रहा है यह सांप है कि सांप वो है नहीं? ये कैसे पता चलेगा कि सांप वो है नहीं? सांप नहीं है यह रस्सी है, यह कैसे पता चलेगा? इस इल्यूजन का खत्म कैसे होगा? धारणा खत्म कैसे होगी? ये तुम शरीर नहीं, ये सारे ऑर्गन्स हैं, सही हैं, सलामत हैं, इनमें से आप किसी को इनकार नहीं कर सकते। आपका दिल भी है, आपका फेफड़ा भी है, आपके भीतर बाहर के सारे ऑर्गन सारे ठीक, लेकिन ये मन कहां से आया? मन एक भ्रांति है, मन एक इल्यूजन है, मन एक भ्रम है। भ्रम फिर अगर भ्रम एक बार टूट जाता है, आप एक बड़ी सी टार्च ले आए, खूब पावरफुल, उस टार्च को जगाया, खूब बड़ी पावर की टार्च लेके आए क्योंकि भ्रम न रहे, और आपने उस टार्च को कंडेंस किया, फोकस किया रस्सी के ऊपर, और रस्सी के ऊपर जब फोकस किया तो उस लाइट के फोकस में जब आपकी आंखों ने देखा कि ये हिल रही है, और करीब जाके देखा तो पता लगा कि ये रस्सी है, फिर आपने उसे छुआ, हिलाया, फिर उसने उसे उठा लिया, आपने उठा लिया तो आप ज्यादा लाइट में ले आए नीचे, बल्ब की रोशनी में देखा, ट्यूब की रोशनी में देखा, बड़ी रोशनी में देखा, तो आप हंसे, वो इतना डर रहे थे, इसके पास नहीं जा रहे थे कि ये तो सांप है, काट खाएगा, लेकिन ये देखो रोशनाई में मैं देख रहा हूं, ये तो सांप नहीं, यह तो रस्सी है, यह तो मैं भ्रम में था। इसे कहते हैं इल्यूजन, और इल्यूजन को हिंदी में कहते हैं मन। मन कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट हैं और हैं, लेकिन मन कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अक्सर लोग बुद्धि को या ये जो विचार आते हैं बुद्धि में, इसको मन कह देते हैं, वो मूर्ख। ये विचार मन नहीं है, ये विचार बुद्धि से उत्पन्न होते हैं, ये विचार मैं हूं, ये मन है, ये बुद्धि में हूं, ये भ्रम है, ये मन है, जो जो भी भ्रम है वो मन कहलाता है। तुम शरीर हो, यह भी मन है, यानी इल्यूजन है, यानी भ्रम है। एक उंगली से लेके नख से लेके शिखा तक तुम जिसे जिसे भी कहोगे ये मैं हूं, बस उसको समझ लेना कि वो मन होगा, यानी वो इल्यूजन होगा, क्योंकि नाखून आप नहीं, केस आप नहीं, दिमाग आप नहीं, शरीर का कोई अंग आप नहीं है, और आप मानते हैं कि मैं हूं, मैं शरीर हूं, मैं ये हाथ हूं, मैं ये पांव हूं, मैं अपने हाथों पांवों से चल के वहां जाता हूं, ये आपको भ्रम है, और इस भ्रम को मन कहते हैं।
बहुत से लोग मन को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह लेते हैं कि वह कोई ना कोई भीतर लगा हुआ पुर्जा होगा जिसको मारना है, और उसको मरने के बाद परम खत्म हो जाएगा। ये तो ऐसे है जैसे आप कहते हो कि ताजमहल नहीं है, ये आपका भ्रम है। आम भ्रमों की तरह ये भी भ्रम है। जैसे आप कहते हो कि मैं शरीर हूं, ये भी भ्रम है। मैं विचार हूं, ये भी भ्रम है। और ताजमहल नहीं है, ये भी भ्रम है। तो ये भ्रम खत्म कैसे होगा? भ्रम खत्म होगा जब आप ताजमहल के सामने जाके खड़े हो जाओगे। कोई गुरु यानी कोई जानने वाला के ताजमहल है, वो आपको आगरा ले जाएगा और ताजमहल के सामने खड़ा कर देगा, देखो है कि नहीं। और उसे देखकर आपको कहोगे, हाँ भाई ये तो है, तो है, तो आपने कैसे मान रखा कि ये नहीं है? आपका इल्यूजन खत्म हो जाएगा। मुझे बताइए, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ताजमहल नहीं है और दिखाने वाले ने आपको ताजमहल दिखा दिया और आपका भ्रम खत्म हो गया, तो अब मुझे बताइए कि क्या वही भ्रम घर जाकर फिर से आपको आ जाएगा? जब घर चले जाओगे तो फिर से आपको वही भ्रम हो जाएगा? नहीं, वो भ्रम अब कभी भी नहीं आएगा। जब एक बार भ्रम मिट जाता है तो फिर जीवन में कभी भी नहीं आता। इसलिए हम पाखंडों का निवारण करते हैं। अगर एक बार आपके पाखंड निवारण हो गए, एक बार आपकी मान्यताएं आपने देख ली कि ये मान्यताएं गलत है, उसके बाद आप उन्हीं मान्यताओं में फिर नहीं फंसोगे। मन एक भ्रम है, मन है नहीं, लेकिन आपकी सोच है कि मन है। आपको भ्रम है, आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि मन है, इल्यूजन है आपको कि शरीर में हूं, विचार में हूं, बुद्धि में हूं, सारे ऑर्गन्स में। समाधि है इस भ्रम का टूट जाना, इस इल्यूजन का टूट जाना समाधि है। अब देखिए कितनी आसान बात है, बहुत मुश्किल बात है। आपका रोआ रोआ कपेगा, क्योंकि ये भ्रम आपको अभी अभी नहीं लगा है या इसी जन्म में नहीं लगा है, पिछले सभी जन्मों से ये भ्रम लगातार चला आ रहा है। इसने आपके भीतर एक प्रकार का संस्कार बना लिया है। बार 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 दोहराने से संस्कार बन जाता है। अगर आप बार बार दोहराते रहोगे, लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां, ये आपका एक संस्कार बन जाएगा। ये याद करना बार बार, आप जब दुकान पे जाओगे आप कहोगे भाई लाइफ बॉय देना, यह एक संस्कार बन गया। इसी तरह आप सारे दिन जाप नहीं करते हो, रेपुटेशन करते हो अपने विचारों से, मैं शरीर हूं, मैं विचार हूं, मैं बुद्धि हूं, सारे इंस्ट्रूमेंट मैं हूं। बस ये सोचना
एक संस्कार बन गया है आपका, और संस्कार इतना गहरा हो गया है कि अब तो ये खाई की तरह लकीर नहीं रहा, ये अब रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, ऐसा नहीं, अब तो ये खाई की तरह खूब चौड़ा। इसके अंतराल को पारना बड़ा मुश्किल है, इसके अंतराल को पाटना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल से मुश्किल काम है। इस भ्रम को तोड़ना, और इस भ्रम को तोड़ना टूटेगा कैसे, ये भ्रम टूटेगा कैसे, ये राम राम से नहीं टूटेगा, ये राधे राधे से नहीं, राधे राधे से तो आपका भ्रम बढ़ेगा कि मैंने इतने लाख जप किया राम राम का राधे राधे का, किसी आपका भ्रम बढ़ जाएगा कि मैंने इस शब्द का जाप इतना किया। इसलिए मैं कहता हूं जप मत करना, इसका फायदा तो कोई होता नहीं, संस्कार और गहरा हो जाएगा कि मैंने 1,25,000 महामृत्युंजय जाप किया, मैंने 24,00,000 गायत्री का अनुष्ठान किया, मैंने इतना लाख हवन यज्ञ आहुति किया, मैंने इतना दान किया, मैंने इतना पुण्य किया, मैंने इतनी सेवा की, ये सारे संस्कार पड़ गए मैं के। जबकि तुम अपने आप को जो जानते हो वह गलत जानते हो। एक एक शब्द को आराम से समझने की चेष्टा कीजिएगा। जो तुम अपने आप को जानते हो वह गलत जानते हो, और उस गलत जानने को कहते हैं मन। मन कोई ठोस चीज नहीं, मन कोई लगा हुआ पुर्जा नहीं है। अब देखिए आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। अक्सर लोग कुछ ऐसा वैसा काम कर देते हैं जिसे लोग कहते हैं कि सारी इज्जत किसने गंवा दी। आप भी कहते हैं इस काम करने से मेरी सारी इज्जत खत्म हो गई। मैं आपसे पूछता हूं, जरा शांत मन से सोच के बताइए, ये इज्जत नाम का पुर्जा किस अंग में लगा होता है, हमारे शरीर के किस अंग में ये इज्जत नाम का पुर्जा लगा होता है जो कि खराब हो गया। थोड़ा सा रिपेयर करवा लेते हैं, ढूंढोगे कहीं नहीं मिलेगा। इज्जत नाम का पुर्जा शरीर के किसी भी भाग में आपको फिक्स हुआ नहीं मिलेगा। बस इसी तरह माना है, इज्जत आपका आपकी कल्पना का बनाया हुआ एक शब्द है। इज्जत कहीं लगा नहीं, वैसे ही मन कहीं है नहीं। मन एक भ्रम है, फिर समझो, बार बार समझा रहा हूं, हर तरफ से समझा, पर आप यही गलती खा रहे थे, मैं थोड़ा लेट हो गया। इसके बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था खुल के, वैसे मैं बताता रोज हूं। मन जब मर जाए, यानी गलत फहमी जब खत्म हो जाए, तो फिर वो सदा के लिए खत्म होती है या थोड़े वक्त के लिए खत्म होती है, कोई 2-4, 10-20 दिन के लिए खत्म होती है, महीने 2 महीने 4 महीने 10 महीने साल के लिए खत्म होती है, 10 साल के लिए खत्म होती है, कोई है उसकी मैं खत्म होने की। गलत फहमी जो लग गई उसकी कोई म्याद होती है कि इतनी देर के बाद ये गलत फहमी फिर आ जाएगी? नहीं, म्याद
ब्रह्म की कोई म्याद नहीं होती, वो फिर नहीं लौटता। एक बार जब आपको पूरा पूरा सही सही पता लग गया कि आप हो, इसलिए बार बार सभी संत कहते हैं नो थाइसेल्फ, हु आर यू, रिमेंबर योर सेल्फ। वो यही समझाते हैं कि जरा देखो तो अपने आप को, तुम्हारे सारे मापदंड बदल जाएंगे, तुम्हारा जीने का सलीका तरीका बदल जाएगा, तुम्हारा काम करने का सारा तरीका बदल जाएगा, तुम्हारा सोचने का सारा तरीका बदल जाएगा, जीवन को तुम किसी और परिप्रेक्ष्य में देखोगे। अभी जीवन को तुम किसी और परिप्रेक्ष्य में देखते, इस मन के होते हुए, मन यानी इल्यूजन, इल्यूजन यानी भ्रम, और भ्रम जब होता है तो होता, और भ्रम जब नहीं होता टूट जाता है, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो भ्रम जब टूट जाता है उसी को मुक्ति कहते हैं, यानी भ्रम टूटा, क्या भ्रम टूटा, तुम जो हो वह अपने आप को देख लेते हो, और तुम जो नहीं हो वह भी अपने आप को जान लेते हो। तुम जो नहीं हो वह अपने आप को जान लेते हो कि मैं ये नहीं हूं और मैं ये हूं। बस इसे साधना, इसी साधना को आध्यात्मिक साधना कहते हैं, और इसी पाखंड को तोड़ना होता है, और जो इस पाखंड को गहरा करते हैं उन्हीं को हम तोड़ते हैं। मन भ्रम है, और ये भ्रम एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं आएगा। भ्रम जब तक बना रहता है तब तक भ्रम होता है, भ्रम मौजूद रहता है, और जब भ्रम टूट गया तो फिर भ्रम द्वार से कभी नहीं आता। तुम अभी भ्रमित हो, इसलिए तुम्हारे सभी फैसले, तुम्हारे सभी सोच, तुम्हारे सभी क्रियाकलाप, तुम्हारी सभी जिंदगी जीने के सलीके तरीके, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा आहार, तुम्हारा व्यवहार सारा उसी सलीके से होगा, उस भ्रम के हिसाब से होगा। और जब ये भ्रम टूट गया तो फिर आपका आचरण, आहार, व्यवहार, खान पान, जीवन जीने का ढंग, चलने फिरने का, सोचने का सारा ढंग बदल जाएगा, सिर्फ एक चीज के कारण, एक इल्यूजन के हट जाने से सब कुछ बदल जाएगा। जब आपका इल्यूजन मिट जाएगा, आपको पता चल जाएगा मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर क्या मौत से डरो? और आपके 99.99% नहीं, आपके 100% फैसले मृत्यु के भय से होते हैं। जिंदगी बदल जाएगा, मैंने सुबह कहा था, एक मजाक कर रहा था कि गंगा तीर पे बैठे आप कह रहे हो शिवो हम शिवो हम शिवो हम, ये शिवो हम करने वाला भी ये अभी इल्यूजन में है, अभी भ्रम में है, ये जानता नहीं, जप रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि जपना मत, जानना। मैं मन हूं, मैं मन हूं, मैं मन हूं, मैं भ्रम हूं, मैं भ्रम हूं, इससे भ्रम टूट जाए। तुम कुछ भी जप करो, जप करने से भ्रम नहीं टूटेगा।
या टूटता है तो मुझे पता है। और अगर संसार में कोई भी व्यक्ति इस बात को साबित कर दे कि जप करने से यह भ्रम टूट जाएगा कि मैं शरीर हूं, जप करने से यह भ्रम टूट जाएगा कि मैं बाहर भीतर के ये सारा इंस्ट्रूमेंट मैं नहीं हूं, तो वह मेरा गुरु हो जाएगा। है किसी में दम तो मेरी इस चैलेंज को स्वीकार कर, जप करने से यह भ्रम टूट जाएगा कि मैं शरीर में, जप करने से यह भ्रम टूट जाएगा कि मैं सारा इंस्ट्रूमेंट मैं नहीं, और यही तो तोड़ना है। कैसे टूटेगा जप करने से, कैसे टूटेगा पाठ करने से, कैसे टूटेगा शास्त्रों के अध्ययन से? वो तो जैसे टूटेगा वैसे ही टूटेगा। इसलिए मैं कहता हूं जप मत करो। जप एक पुनरुक्ति है और वो कहीं और चली जाती है, वो आपके लोभ को बढ़ाती है, आपका खजाना बढ़ा देगी। आप कहोगे मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये उपकार किया, मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना दान किया, मैंने इतने मंदिर बनाए, इतनी गौशाला बनाई, इतने लोगों को दान किया, इतने लोगों की सेवा की, और मैंने 2 करोड़ जाप किया 5 नाम का, राम राम का, राधे राधे का, कृष्ण कृष्ण का, ये इल्यूजन के अंदर जुड़ जाए। जब तक तुम्हारा इल्यूजन बरकरार है तब तक तुम जो कुछ करोगे वो इल्यूजन हो जाएगा, इल्यूजन में जमा हो जाएगा आपके कर्मों में। एक और भ्रम पाल लिया आपने कि मैंने 2 करोड़ जाप किया राम राम का, राधे राधे का, या 5 नाम का, या 4 नाम का, या सहस्र नाम का, ये आपके इल्यूजन के अंदर और जुड़ जाएगा। आप संसार में घूमाओ, सारे संसार में घूमाओ, तो क्या आपका इल्यूजन मिट जाएगा? नहीं। आप कहोगे मैं सारे संसार में घूम के आया हूं, ये इल्यूजन में आपके और जुड़ जाएगा। घूमते रहो, तीर्थों पे जाओ, मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, हज करो, मक्के मदीने जाओ, 4 धाम जाओ, यह भ्रम मिट जाएगा। 4 धाम की यात्रा करने वालों के ये भ्रम मिट जाएगा, दान पुण्य से भ्रम मिट जाएगा, सेवा करने से भ्रम मिट जाएगा। असल रोग क्या है तुम्हें? असल रोग है तुम्हें, तुम्हें भ्रम है। तुम्हारे अक्सर लोग कहा करते हैं कि सभी रोग खत्म हो जाते हैं, भ्रम का रोग खत्म होना बहुत मुश्किल है। और भ्रम जब एक बार टूट जाता है, वहम जब एक बार टूट जाता है, फिर सदा के लिए टूट जाता है, और तुम्हारे किसी भी इन पाखंडों से, जप से, तप से, पूजा से, पाठ से, वो गीता की पूजा हो, पाठ हो, कुरान का हो, पुराण का, बाइबल का ग्रंथ का, कुछ का, क्या उससे आपका ये भ्रम टूट जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं ये खुपड़िया नहीं हूं, मैं ये दिल नहीं हूं, मैं ये फेफड़ा नहीं हूं, ये टूट जाएगा? अगर टूट जाएगा तो वंदनीय है, लेकिन टूटता है नहीं। मैं बखूबी जानता हूं, मैंने बहुत जप किया, घर से निकला था, आप सभी मेरी बायोग्राफी में पढ़ लिए होंगे, नहीं तो पढ़ लेना। जिस कारण से घर से निकला था खोज में, तो घर आके मैंने जाप ही शुरू किया था। ओम नमः शिवाय का जाप कर लेता, हनुमान जी का जाप कर लेता, राम राम का जाप कर लेता, जाप ही से मैंने शुरू किया था। 1970 की वो घटना
जिसने मेरा सारा ताना बाना हिला दिया, बुरी तरह से सब कुछ सही सेट था, बिखर गया। और फिर मैंने गृह त्याग भी किया, वापस भी आया और वापस आके मंदिर जाने लगा। मंदिर के अंदर मैं जाप करने लगा, बाबा ने मुझे क्रिया योग की दीक्षा दी, क्रिया योग करो, बताया ऐसे करो। मैं क्रिया योग कर घंटों तक क्रिया योग करता और उसकी मस्ती जब छाती तो दो दो घंटे योग निद्रा में पड़ा रहता। फिर भी कभी 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 बीच बीच में से जाप करता ही रहता, इल्यूजन बरकरार था। और इल्यूजन कब टूटा? सबसे पहला इल्यूजन टूटा जब ट्रेन की घटना कि कोई देयर इज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, कुछ अपरा शक्ति है, विश्वास हो गया, पक्का विश्वास। दूसरा मेरा विश्वास टूटा कि मैं शरीर नहीं हूं, जब मेरे भ्राता जिसे मैं 19 जून की सुबह अग्नि देके आया, मुखाग्नि देके आया, अभी एक वर्ष पहले ही शादी हुई थी उनकी, कोई बच्चा नहीं था, तो उनका छोटा भाई होने के नाते मैंने पुत्र रूप में उनको मुखाग्नि दी। और दो दिन बाद ही वो मेरे पास रात्रि को कमरे में आ गए। मेरे भाई को इस तरह सामने देखकर मुझे हैरानी तो बहुत, हैरानी तो बेशुमार हुई, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। मुझे डर नहीं लगा, मेरा बंधन टूट गया। मैंने प्रणाम किया उसे, मैंने कहा आज तुमने मेरा एक बहुत बड़ा भ्रम भी तोड़ दिया। एक भ्रम टूटा कि नहीं है कोई अपरा शक्ति, वह 70 में टूटा ट्रेन के वक्त, ट्रेन इंसिडेंट। और दूसरा मैं शरीर हूं, यह टूटा आज जो तुम मेरे सामने खड़े हो गए। तुम सामने क्या खड़े हो गए, तुमने मेरे जीवन की दिशा को और बदल दिया। एक दिशा तब बदली थी और एक दिशा आज बदली। 1980 को वो 70 हो, ये 80 को 10 साल। इस दिन मेरा भ्रम टूटा कि मैं शरीर में, क्यों? क्योंकि जिसको मैं जला के आया था दो दिन पहले वह तो जिंदा है। मैं जला के आया था, मुखाग्नि मैंने दी थी, प्रभु आज मेरे सामने खड़ा है। तो जब ये नहीं मरा, ये अभी इसका सूक्ष्म शरीर जिंदा है, सुर तो मैंने जला दी, उसके तो सारे अस्थि कलश हम गंगा जी में बहार। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा भ्रम टूट गया कि शरीर मैं नहीं, बिल्कुल साक्षात। मुझे ऐसा डर नहीं लगा कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, भागो। बड़े शांत मन से मेरा ऐसा भ्रम टूटा, तड़क तड़क तड़क, और मृत्यु उस दिन समाप्त हो गई। पहले दिन ये भ्रम खत्म हुआ, जो मार्क्स ने कहा कि धर्म एक अफीम का नशा, जो नीचे ने कहा गॉड इज डेड, और जो चार्वाक ने कहा कोई परमात्मा नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं।
इन नास्तिकों ने जो मन के अंदर विचार रखे थे, मैं मानता नहीं था, ना मैं उनको मानता था ना मैं इनको मानता था, मैं न्यूट्रल था, मैं एक वैज्ञानिक बुद्धि का व्यक्ति। तो पहला ये भ्रम टूटा कि कोई अपराशक्ति नहीं है, बस ये जो दिखता है यही है। ये उस दिन टूटा जिस दिन किसी अज्ञात शक्ति ने एक 70 किलो व्यक्ति पटक दिया भीतर प्लेटफॉर्म, उस दिन टूट गया। सब मान्यताएं ढह ढेरी होंगी और दूसरी बार मान्यताएं टूटी जब मेरा भाई, जिसको 2 दिन पहले मैं अग्नि दे के आया, वो रात्रि को मेरे पास आया और उसको देखकर मुझे जरा भी डर नहीं लगा, हैरानी बहुत हुई, गजब की हैरान, परेशानी भी नहीं, बस आश्चर्य हुआ। अरे भाई सुरेश, मैं तुझे जलाया था। हाँ, तो मुझे जलाए थे, लेकिन मैं हूं, बस मेरे सारे इल्यूजन तड़क तड़क करके टूट गए, मृत्यु का भय समाप्त हो। यही बात कबीर ने कही, मैं ना मरूं मरे संसारा, मैं नहीं मरता संसार मरता, ये संसार 5 तत्व का पुतला संसार, मैं ना मरूं मरे संसारा, मोहे मिला जलावन हारा। मुझे वो मिल गया है जो कभी मरता है, जो कभी मरता नहीं, जो कभी जलता नहीं, जो कभी गलता नहीं, जो कभी सूखता नहीं। भ्रम टूट गया, ये मेरी दूसरी घटना थी अध्यात्म की, बिल्कुल साफ। और मैं किसी भी घटना को डिनाई नहीं कर सकता, ये बड़े मजे की, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, कोई भ्रम नहीं था। मैंने सारी कन्वर्सेशन की, उससे कन्वर्सेशन की भाषा कुछ अलग होती है। और उसके बाद फिर सारे शमशान घाट के सभी सारी सिद्धियों के ध्यान के उन लोगों ने बड़ी कृपा की, उन्होंने संसार की चीजें भी सिखाई, रिद्धियां सिद्धियां, और अध्यात्म की चीजें भी सिखाई, शरीर को कैसे छोड़ना है, शरीर में क्या कुछ है, कौन सी चीज कहां है और उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उससे काम लेना है, कैसे शरीर से बाहर जाना है और कैसे शरीर के अंदर आना है, ये प्रत्येक चीजें मुझे उन वर्षों में सिखाई गई जिन्हें मैं शमशान की साधना करता हूं। और उसके बाद तीसरी घटना तो विशाल त्याग, अभी तो सिर्फ ये था, पहले था कि कुछ अपराशक्ति है, देर इज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, और दूसरा आई एम नॉट ए बॉडी, मैं शरीर नहीं, और तीसरा मैं कौन, वही संबोधि की अवस्था, वही एनलाइटनमेंट जो मैं फैला, आई एम एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स, I am everywhere in this universe. Aham Brahmasmi. Anal Haq कहते हैं मंसूर, सरमत कहते हैं कि मोदी तेरा खुदा मेरे पांव के तले।
ये शास्त्र ये कूड़ा नहीं, तुम्हारे पुराण कूड़ा, तुम्हारे प्राण पंथी और प्राण की कथा कहने वाले वो भागवत प्राण हो, वो कोई भी प्राण हो, गरुड़ प्राण हो, भागवत प्राण हो, 18 प्राण जो आपके, ये कपोर पंथ है। ये सिर्फ मैं पहले भी बताता हूं कि पूंजीपतियों और ब्राह्मणों की साजिश का परिणाम है ये पुराण, और इसमें सारे भेद हैं मनुष्य को मनुष्य के साथ। ये फला जाति का, ये फला जाति का, फला जाति का, फला धर्म का, फला धर्म का, फला, ये सब भेद पैदा करने वाले पुराण। इनसे बचाना, इनके पल्ले मत पड़ जाना, उले जाओगे। इनका पागल किया व्यक्ति रास नहीं आता, उन्हें ही मैं अंधभक्त कहता हूं। इनका पागल किया व्यक्ति रास नहीं आता, यानी उसकी दवा किसी के पास नहीं, और उनका नाम है अंधभक्त। ये पुराणों के भीतर लिखी गई चीज को जो लोग सत्य मानते हैं वो है अंधभक्त। प्राणों में कपोर शंखों के अलावा और कुछ भी नहीं। तो मन क्या है, विषय के ऊपर है। मन कोई ठोस पुर्जा नहीं जो हमारे शरीर में किसी जगह चिपका होगा, कोई ठोस पुर्जा नहीं। ठोस पुर्जे तो सभी हैं और सभी, कोई भी उसे मुनकर नहीं होगा कि ये नहीं है, लेकिन मन है नहीं, वजूद नहीं है मन का। मन एक भ्रम है, और ये भ्रम गल जाए भला गलत फहमी का भी वजूद होता है। गलत फहमी का वजूद सिर्फ गलत फहमी की तरह ही होता है, बस इसको ऐसा समझ लो। तो गलत फहमी का कोई वजूद नहीं होता। गलत फहमी तब तक उसका वजूद होता है जब तक आपको पता ना चले कि मुझे गलत फहमी हो गई थी। और ये पता कैसे चलेगा, ये दर्शन करके कि मैं आई वाज ऑन मिस्टेक, मैं गलती पे था। सारी साधना इस इल्यूजन से मुक्ति का पथ है। सारी साधना विज्ञान भैरव तंत्र के 112 विधि, यह जो भी विधि है वो इस इल्यूजन से मुक्ति का पथ है। वो आपको बताती क्या है, एक ही चीज बताती है कि तुम शरीर हो नहीं, कि तुम मन का इल्यूजन समाप्त कर दो। कैसे, दर्शन के द्वारा, जप के द्वारा। और तुम फिलोसफिकल बातों से मन का इल्यूजन दूर करने में सदा ही तत्पर रहते, बहस जिसे हम डिस्कशन कह देते हैं, बहस से इल्यूजन नष्ट नहीं होता कभी। इसलिए मैंने कभी जिंदगी में बहस नहीं की। अगर किसी व्यक्ति ने मुझे ललकार दिया कि आओ बहस करो, मैं नहीं मानता जो तुम बात कहते हो, मैं उसके चरण पकड़ लेता हूं, तो मुझे क्षमा करो, आप जीत गए मैं हार गया, मैं बहस नहीं करता। जिसने देख लिया वह कहा करता है, बहस नहीं किया करता। जो घूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद, उसका स्वाद कहा ही नहीं जा सकता, बहस क्या करेगा। बात मन की हो रही है, क्या मन एक बार मर जाता है फिर दोबारा से मन का जन्म नहीं होता। बस यहीं आ जाओ, मन एक भ्रम है, उस रस्सी की तरह
जो सर्प है नहीं, लेकिन आपको गलत फहमी हो गई कि ये हवा में हिल रहा है, ये सर्प है। बस उस इल्यूजन को दूर करना है पूर्ण दर्शन से, पूरी लाइट छिड़क के उसके ऊपर अच्छी तरह से देखो, फिर उसको उठा लो। वो काटता तो नहीं, जीव तो नहीं निकालता, सूसा तो नहीं करता, फुफकार तो नहीं मारता, ये सब चेक कर लो अच्छी तरह से, और एक वक्त तुम पाओगे ये तो रस्सी ही है, ये सांप है ही नहीं, ये पक्की रस्सी है। फिर तो आप इसको गले में भी धारण कर सकते हैं, फिर तो आप उस रस्सी को किसी और जगह पे काम भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रस्सी है। मुझे लोग कहते हैं जब मन मर जाता है तो फिर भी मन मरने के बाद संत पुरुष बात कैसे करते हैं? अरे भाई, मन मरता है, इल्यूजन मरता है, बुद्धि तो नहीं मरती है, उसके अनुभव तो नहीं मरते हैं, उसकी पुराने जन्मों की स्मृतियां तो नहीं मरती, उसने जो याद किया, उसने जो कलाएं सीखी, जो सब्जेक्ट सीखे, वो तो नहीं मरता, वो इल्यूजन नहीं था, वो तो है, वो तो न्यूरॉन्स में फीड है। बस ये इल्यूजन मिट गया कि न्यूरॉन्स में फीड हुआ हुआ जो मेटीरियल है, जो ज्ञान है, वो मैं हूं, ये इल्यूजन मिट गया। अगर ये इल्यूजन मिट जाएगा तो न्यूरॉन्स में पड़ा हुआ सारा मेटीरियल खत्म नहीं हो जाएगा। आपने आज तक जो जाना, जो महसूस किया, जहां गए, जहां आए, जहां खाया, जहां पिया, जो कुछ जीवन में आपने किया, सब फीड है आपके यादाश्त के रूप में, स्मृति के रूप में। मन का भ्रम देख लेने से, टूट जाने से आपकी न तो वो स्मृति खोएगी, ना आपने जो विषय पढ़े हैं वो भूलोगे। अब इसका फर्क अच्छी तरह समझ लेना, आज तक का सबसे कीमती प्रवचन है, क्योंकि मन के ऊपर इस तरह से शास्त्र मैंने भी पढ़े, किसी ने समझाया, और मैं आपको बड़े सरलतम ढंग से समझा रहा हूं कि मन क्या है, जिससे आप इसको अच्छी तरह से विश्लेषित कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, इस चीज को आप दोफाड़ कर सकते हो कि मन वास्तव में चीज क्या है। मन एक ऐसा भ्रम है, एक ऐसा इल्यूजन है, जो जब तक रहता है, जब तक कि आपको वो इल्यूजन आपका टूटता नहीं। जैसे मैं उदाहरण दी, रस्सी में सांप, जब आपको रस्सी रस्सी की तरह पूर्ण दिख गई, आपने छू के देख लिया, परख के देख लिया, गले में डाली, देखा सांप की तरह मुंह भी, जीवा भी नहीं निकाल रहा है, फुंकार भी नहीं मार रहा है, तो आप अस्वस्थ हो गए कि हाँ ये तो रस्सी है। ऐसे ही इल्यूजन जब तक आपका खत्म नहीं होता, तब तक आप इस भ्रम में रहोगे, तब तक चिंता में भी रहोगे, तब तक जो होता है शरीर के साथ वो शरीर के साथ नहीं होता, वो तुम्हारे साथ होता है, तब तक आपकी भावनाएं हैं, वो टूटेंगी भी, वो कोई तोड़ भी देगा। तब तक अगर आदमी कोई आपके ऊपर थूकेगा शरीर पे, लेकिन आपको लगेगा मेरे ऊपर थूके। बुद्ध को ज्ञान है कि ये पांच तत्व के पुतले के ऊपर थूक गया, मैं तो कुछ हूं, इसलिए बुद्ध चुपके से रुमाल निकाल लेते हैं, पूछ लेते हैं। अगर किसी ने कहा कि अगर कोई एक गाल पे तमाचा मारे, ईसा ने कहा तो दूसरा गाल आगे करते हैं, और बहुत से लोग ने इसका बबुंडर बना लिया, फिर दूसरा आगे कर देंगे, तीसरे के ऊपर मारेगा, तीसरे के ऊपर मार देगा, भाई क्या खास, माटी को ही मारेगा,
अस्तित्व को तो समाप्त नहीं ना करेगा, इस बनाए हुए यंत्र को ही बिगाड़ेगा और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सुकरात जहर पीने को तैयार हो जाते हैं, एक बार भी क्षमा नहीं मांगते। इसलिए ईसा सलीब के ऊपर लटक जाते हैं, एक बार भी नहीं कहते कि क्षमा कर दो, माफी नहीं मांगते। इसलिए मंसूर कट जाना पसंद करते हैं, एक बार भी नहीं कहते नहीं मैं नहीं कहूंगा अनल हक, क्योंकि ये इस्लाम में नहीं लिखा है। चाहे इस्लाम में ना लिखा हो, लाख बार ना लिखा हो, लेकिन मैं कहूंगा क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं। और ईसा ने भी कहा उसके कीले ठोकने वालों को, ओ गॉड फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, कि ये पत्थर के अंदर कीले मार रहे हैं, ये नहीं जानते, इनको माफ कर दे। ब्रह्म जब एक बार मिट जाएगा फिर ब्रह्म कभी नहीं आएगा, ब्रह्म भी कभी दो बार आते, एक बार टूट जाता है इल्यूजन तो फिर से कभी नहीं आता। ये वर्षों की ही नहीं जन्मों की संस्कारित आपकी दशा है। आज तुम्हें शरीर मैं की तरह दिखता है, बुद्धि मैं की तरह दिखती है, बुद्धि के विचार मैं की तरह दिखते हैं, थोड़ी सी आंख टेढ़ी करके आपकी तरफ झांकता है कोई तो आप नाराज हो जाते हो, मेरी तरफ ऐसे को टेढ़ी दृष्टि से झांक रहे हो। आप अपने आप को शरीर जानते ही हो एक हिसाब से, क्योंकि अभी तो जानते ही शरीर हो। ये भ्रम टूटेगा तब आप जानोगे कि मैं शरीर नहीं, अभी तो आप ऐसा ही जानते हो कि मैं शरीर मैं इंद्रिय। और ये जानना भ्रम है, और इस भ्रम को मन कहते हैं। और ये भ्रम जब टूट गया तो मन टूट गया, मन मिट गया, मन स्वाहा हो गया, तो फिर मुझे बताइए क्या दोबारा से फिर भ्रम जमने का? नहीं जमने। एक बार जब आपने साक्षात आंखों से देख लिया उसी को कहते हैं समाधि। समाधान हो जाता है सभी समस्याओं का, सभी प्रश्न गिर जाते हैं, काहे का प्रश्न करो, सभी प्रश्न आपके या शरीर से या मन से ऐसे ही प्रश्न होते हैं आपके, इसलिए प्रश्न गिर जाते हैं। अरे तो प्रश्न ही सारे शरीर और मन के थे, बुद्धि के थे, विचारों के थे, अब प्रश्न कोई बचता ही नहीं। जब तुमने आपका जान लिया तो आपका सारा प्रश्न दड़म से गर जाए। सार रूप में फिर बोल दूं, मन एक भ्रम है, इल्यूजन का नाम मन है, माइंड का नाम मन नहीं है। मैं माइंड हूं ये मन है, मैं शरीर हूं ये मन है, यानी इल्यूजन, मन इल्यूजन का नाम है। मन मर जाएगा इसका मतलब इल्यूजन मिट जाएगा, और इल्यूजन मिट जाएगा तो सही ज्ञान आपके पास रहेगा। हु एम आई, इसका यही मतलब, हु एम आई, मैं कौन। मिटने के बाद, इल्यूजन मिटने के बाद जो परिणाम सामने आएगा तो वो पता चलेगा कि मैं आखिर हूं कौन। बस वहां मन मिटेगा, यानी कि इल्यूजन मिटेगा। मन कोई पुर्जा नहीं है जो आपके दिमाग में फिट है, आपके दिल में फिट है, नहीं, ये सिर्फ एक गलत फहमी है, ये भ्रम है। मेरे ख्याल में समझ गए हो गए आप, बड़े विस्तार से मैंने आपको समझाया है, फिर भी कोई बात समझ ना हो तो मुझसे पूछ लिया। धन्यवाद।